डेनमार्क के एक मॉल में अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। फायरिंग डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई। मॉल में अचानक फायरिंग के बाद मची भगदड़। चारों तरफ से लोगों की चीख पुकारें सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और गांधीनगर के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे आंध्र प्रदेश के भीमारवम पहुंचेंगे। फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शाम को करीब 4:30 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आज महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के लिए बड़े इम्तिहान का दिन। एकनाथ शिंदे को आज बहुमत साबित करना है। महाराष्ट्र विधानसभा में सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। शिंदे की सेना अगली चुनौती के लिए तैयार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, फ्लोर टेस्ट में हमें 166 वोट मिलेंगे। एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक चीफ व्हिप के तौर पर विधानसभा में मान्यता दी गई है। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका। बीजेपी और शिंदे गुट की हुई बैठक, निर्दलीय विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज शाम 7 बजे। पोर्टफोलियो पर एकनाथ शिंदे गुट से चर्चा होगी। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर हो सकती है बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। उद्धव गुट के विधायकों की मुश्किलें बढ़ी। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने ठाकरे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने व्हिप उल्लंघन को लेकर बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर नार्वेकर के पास याचिका दायर की है। छगन भुजबल ने राज्य में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई, सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। शरद पवार ने एनसीपी नेताओं और विधायकों के साथ की बैठक, मिड टर्म पोल के लिए तैयारी शुरू करने के आदेश दिए। शरद पवार ने नेताओं से कहा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार 6 से 8 महीने ही चलेगी, उसके बाद मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और रईस से कह रहे तटस्थ। बहुजन विकास अघाड़ी और एमएनएस ने बीजेपी को वोट दिया। अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे से नाराजगी की वजह भी बताई। कहा कि विधानसभा में फिर उन लोगों ने खुद को बाबरी मस्जिद गिराने वाला शिवसैनिक बताया। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले के मर्डर के बाद तनाव। आज अमरावती के राजकमल चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अमरावती हत्याकांड में एनआईए ने आरोपियों पर दर्ज किया केस, कमिटिंग एक्ट ऑफ टेरर के तहत मामला दर्ज किया है। उमेश कोले हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता इरफान की अमरावती जिला कोर्ट में पेशी। 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। कोले परिवार के करीबी यूसुफ खान ने रची उमेश के मर्डर की साजिश। हत्या से पहले दुकान से घर तक की रेकी की गई। उमेश कोले के घर वालों से मिले नवनीत राणा परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में कन्हैया लाल के मर्डर के बाद आक्रोश। हालात को देखते हुए पुलिस सतर्क। आज उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी जाएगी। इंटरनेट सर्विस फिलहाल सस्पेंड रहेगी। आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर दौरे पर जाएंगी। कन्हैया लाल के परिजनों से करेंगी मुलाकात। कानपुर में हिंसा के बाद प्रशासन सख्त। फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा का डिफेंस कॉलोनी में आउटलेट सील किया गया। सीएम योगी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। मंत्रियों के 100 दिन के काम के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा करेंगे। मदरसा बोर्ड में सुधार के लिए योगी सरकार आज मदरसा की ई लर्निंग ऐप लॉन्च करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की सुनवाई आज से होगी शुरू। 5 महिलाओं की श्रृंगार, गौरी में पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ओबीसी के गढ़ तेलंगाना में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि तेलंगाना की जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र से तेलंगाना का होगा विकास। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने वंशवाद पर प्रहार किया। कहा कि भारतीय राजनीति में अब वंशवाद नहीं चलेगा, वंशवाद का समय खत्म हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना और बंगाल में भी परिवारवाद को हराएंगे। अमित शाह को है भरोसा अगले 30 से 40 साल बीजेपी का युग होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केसीआर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज पंजाब सरकार का होगा विस्तार। 5 से 6 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर तंज। कहा कि शिवराज सिंह केवल टेलीविजन समझते हैं और विजन नहीं समझते। दिग्विजय सिंह ने AIMIM चीफ ओवैसी पर सादा निशाना। कहा कि सिर्फ कांग्रेस में बुराई दिखी, बीजेपी में नहीं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक का मांगा समर्थन। राबड़ी आवास में सीढ़ियों से फिसले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, दाहिना कंधा टूटा। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर 5 जुलाई को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। पीडीएस सिस्टम में बदलाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 और शाहदरा में तैनात डॉक्टर को किया सस्पेंड। एक की कंपनी की दवा लिखने पर कार्रवाई हुई। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला ने जताई चिंता। कहा कि जजों पर पर्सनल अटैक करना खतरनाक। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कोविड के बाद की अवधि में हवाई किराए में बढ़ोतरी का विरोध किया। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस के आरोपी स्वप्ना सुरेश को मिल रहे धमकी भरे कॉल। सीएम समेत कई लोगों का नाम नहीं लेने का दबाव बनाने का आरोप लगा।
अहमदाबाद में बोले सीएम केजरीवाल, 27 साल से बीजेपी के शासन से गुजरात की जनता त्रस्त है, हमारी पार्टी का बढ़ रहा है जनाधार। गुजरात के लोगों से सीएम केजरीवाल की अपील, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। श्रीनगर में डल लेक के पास आर्मी ने एक एनजीओ के साथ मिलकर लगाया फ्री मेडिकल कैंप, 8 डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। अमरनाथ यात्रा में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है आईटीबीपी, 2 जुलाई तक 50 श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन दी गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की, कहा कि अब तक की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर के सियासत में लश्कर के 2 आतंकी पकड़े गए हैं रियासी से, फैजल अहमद डार और तालिब हुसैन के रूप में पहचान की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ऐलान, दोनों आतंकियों को पकड़ने वाले ग्रामीणों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनंतनाग के बिजबेरा इलाके में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी को लगी गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पीओके में एक दर्जन से अधिक टेररिस्ट लॉन्च पैड मौजूद हैं और एक्टिव हैं, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी के जवानों ने एक शख्स का रेस्क्यू किया, चिनाब नदी के पार खेत में काम करते हुए घायल हो गया था। नागालैंड के दीमापुर में कटिहार के 4 मजदूरों की मौत, सीएम नीतीश ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हरिद्वार में सतनाम घाट पर नहाते समय तेज बहाव में बह गया एक युवक, वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने बचाया। 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर मामले में जेल का नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार हुआ, जेल से बाहर भिजवाता था सुकेश के कागजात। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि कोयले की कमी से कई ट्रेनें रद्द, केंद्र अब भी कोयले की मांग को पूरा करने में असमर्थ। मणिपुर में भूस्खलन में भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया। असम के बारपेटा में बाढ़ से भारी तबाही, 200 से ज्यादा परिवार बेघर, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले के विरोध में मुंबई कर आरे जंगल में मेट्रो कारशेड बनाने का विरोध कर रहे हैं। आरे मेट्रो कारशेड को फडणवीस ने भीड़ से निजात दिलाने के लिए जरूरी बताया, कहा कि जितनी देरी होगी लागत बढ़ता जाएगा। एनएसएस कैम्प में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को भेजा समन, 5 जुलाई को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया। बेंगलुरु में नगर निगम के कर्मचारियों का आरोप, 18,000 सैलरी का दावा होता है लेकिन हाथ में महज 12,000 ही आते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि पीएफ का पैसा कहां जाता है हमें पता नहीं है, सुनवाई नहीं होने तक प्रदर्शन करते रहेंगे। पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज की पत्नी का केरल के सीएम पर आरोप, कहा कि यौन उत्पीड़न के झूठे केस में मेरे पति को फंसाया। यौन उत्पीड़न केस में लगातार 7वें दिन पुलिस के सामने पेश हुए एक्टर प्रोड्यूसर विजय बाबू। अवैध निर्माण पर पटना जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नेपाली नगर में बने अवैध 70 मकानों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के गुना में खेत में जलील हालत में मिली महिला, गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया, जमीन विवाद में गांव के 3 लोगों पर जलाने का आरोप लगा। एमपी के मंदसौर में टीआरआई पर लुटेरों ने चाकू से हमला किया, डकैती के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 9,61,00,000 की संपत्ति कुर्क की। लुधियाना ड्रग्स केस में फरार तीसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ, जम्मू कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तारी हुई, 9 किलो 400 ग्राम आइस ड्रग्स और बरामद। अयोध्या के पंकज शुक्ला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई गुलू मिश्रा को गिरफ्तार किया। मेरठ में यश रस्तोगी नाम की युवक की हत्या के मामला, पुलिस ने 3 हथियारों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 घायल, मृतकों के परिजनों को 4,00,000 का मुआवजा। कोलकाता से दुर्गा मूर्तियां विदेश जाने के लिए तैयार, यूएस दुबई कतर जापान मैनचेस्टर और कोलंबिया से मिला ऑर्डर। कर्नाटक के सिनी शेट्टी बनी मिस इंडिया 2022, राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही। देश में कोरोना के 16,103 नए पॉजिटिव केस, 31 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,962 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 22,485। तमिलनाडु में कोरोना के 2,672 नए केस सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 1,487 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 648 नए केस, पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। पायलट्स की कमी के चलते देश भर में इंडिगो उड़ानों में हुई देरी, डीजीसीए ने मांगा जवाब। रूस का लुहांस्क प्रांत के कई शहरों पर कब्जा, रूस के रक्षा मंत्रालय का बताया। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के बेलग्रोड पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, 3 नागरिकों की जान गई। यूक्रेन की सेना का बयान, फौज ने लिचिसंस्क शहर में रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारी बारिश के हाल, सिडनी को खाली करने का आदेश दिया गया। चीन के ग्वांगडोंग में चक्रवाती तूफान चावा की दस्तक, तेज हवा में उखड़े पेड़, सड़कों पर भरा पानी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश के चलते एक बस पर पहाड़ी से नीचे गिरी, 19 लोगों की जान गई। इस्लामाबाद में पूर्व पीएम इमरान खान की रैली, पंजाब के उपचुनाव में धांधली होने की आशंका जताए, शहबाज सरकार में शामिल पार्टियों को कहा चोर। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सुजो शहर में नियम सख्त किए गए, लॉकडाउन लगाया गया। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंची, टीम इंडिया के पास 257 रन की बढ़त। पहली पारी में
भारत ने 416 रन बनाए थे। दूसरी पारी में भारत के 3 विकेट खोकर 125 रन है। चेतेश्वर पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33वां अर्धशतक जड़ा। दूसरी पारी में भी विराट कोहली का फ्लॉप शो जारी रहा। विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 7 जुलाई को पहला T20 खेलने के लिए तैयार। महिला हॉकी विश्व कप के मुकाबले में भारत बनाम इंग्लैंड का मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।